कौन यकीन करेगा कि ये हमारे कायदे आजम के नवासे हैं। असलम जिना बसों में धक्के खाते हुए प्रोटोकॉल ऑफिस पहुंचे हैं ताकि सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने नाना के मजार जाएं और फातेह पढ़ें। हम बराबर अपने बुजुर्गों का हर फर्ज जो भी होता है हम अदा करते हैं। जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरे बदन में मतलब ताकत है, तो मैं अपने फर्ज को और अपने बुजुर्गों के फर्ज को सही तरीके से निभाऊंगा। असलम जिना के बुलंद अजायम अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब जिंदगी का दूसरा रुख ऐसा है जिसने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। और क्यों ना उड़े, गुज़श्ता 40 साल से किराए के जिस मकान में सफेद पोशी का भरम रखा हुआ था, अब वो छत भी उठने वाली है। मालिक मकान ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। मैं और अपने मतलब बच्चों को लेके, बीवी को लेके कहाँ जाऊंगा मैं इस हालत में? अभी तो फौरी तौर पे तो कोई मकान का मतलब नहीं हो रहा है, और नहीं हो, अगर आपको, आप तो जानते हैं कि इस वक्त किराए की क्या पोजीशन है। ये सोच रखा है कि अगर मालिक मकान का नोटिस मेरे हाथ में आया, उसी रोज मैं ताला लगा के सीधा मजार कायद पे जाके बैठ जाऊंगा। बानी पाकिस्तान की नवासी और असलम जिना की बहन खुर्शीद बेगम की दुनिया तो 9 साल पहले उसी वक्त अंधेर हो गई थी जब कायद के शहर में उन्हीं का पड़ नवासा पुलिस तहवील में मार दिया गया। हम नहीं आए हैं, मैं आपको बताने लगी हूँ, खुली हुई थी मेरे से मुझे देख रहा था। मैं कहती हूँ हमें दौलत ज्यादा नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान में अगर मिल जाए मेरे बेटे का नेम बदल नहीं होता। 3 साल पहले ही असलम को हुकूमत की तरफ से वजीफा मुकर्रर किया गया है, लेकिन वजीफे का बड़ा हिस्सा माजूर बेटी और कैंसर की शिकार बीवी के इलाज पर खर्च हो जाता है। हुकूमत अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बच्चों की तालीम वगैरह के लिए सब इंतजाम और सब कर सकती है। मैं सबसे मेरे नाना की मजार सब मिलते हैं, सलाम दुआ ये सर पे आ जाते हैं, तसल्ली नहीं चली जाती। बाबा कौम के खानदान ने हर साल की तरह इस साल भी घर के दरो दीवार पर चांद सितारे वाला सब्ज हिलाली परचम लहरा कर जज्बा हुबुल वतनी का इजहार तो कर दिया है, लेकिन क्या पूरे पाकिस्तान में कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं जो उनकी दादरसी कर सके? मैं यास्मीन, आज न्यूज़, कराची।